इतना ज्यादा फोग आज मतलब पटना में समझ लीजिए आज के साथ में जो हवा चल रहा है वो काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। नहीं लगा हुआ, ये साइड में लॉन्चर लगा हुआ है लेकिन ये साइड में लॉन्चर नहीं लगा हुआ है। रास्ता भी देख सकते हैं, ज्यादा थोड़ा खराब रास्ता है। काफी ठंड है दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं मुंह से जो भाप निकल रहा है। चलिए फिर आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल भी आप लोगों को लेकर जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आज का ठंडी कितना ज़्यादा है, यहाँ पर शीतलहरी कितना ज़्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सामने जो आप लोगों को पुल दिख रहा होगा ये पीपा पुल है, जो कच्ची दरगाह वाला जो पीपा पुल है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। इतना सारा, इतना ज़्यादा फोग, इतना ज़्यादा शीतलहरी है, 100 मीटर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। टेम्परेचर है वो 8 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि पटना में अभी 8 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, मैंने चेक किया अभी, जो कि देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पर आज मंडे है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी ठंड पड़ रही है। कुछ भी आगे मतलब 50 मीटर के आगे समझ लीजिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, 50 मीटर से आगे कुछ भी आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। इधर में देख लीजिए पीपा पुल में पार हो गया हूँ, इधर में रुस्तमपुर वाला जो गांव है उधर का ये रास्ता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी रास्ते से लेकर के जाएंगे गंगा किनारे किनारे जो रास्ता है, थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं है फिर भी लेकर के जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। इतना ज़्यादा फोग आज मतलब पटना में समझ लीजिए आज पहली बार है। ये धुआं जो उठ रहा है ये पानी से उठ रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये धुआं जो है समझ लीजिए, ये जो शीतलहरी उठ रहा है ये पानी से उठ रहा है, जो कि सामने बिल्कुल विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। हमें साफ साफ, मैं आप लोगों को मैं बता दूं, साफ साफ मैं देख सकता हूं जो शीतलहरी है जो धुएँ का आकार ले लिया है वो बिल्कुल हम क्लियरली देख सकते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ गाड़ी को, थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा होगा, जो कि आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। इधर पानी से समझ लीजिए गंगा है, गंगा का पानी से जो है समझ लीजिए ये धुआं एक तरह से उठ रहा है शीतलहरी, और काफ़ी तेज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि हवा भी चल रहा है काफ़ी तेज़। ये जो मैं रास्ते से जा रहा हूँ इधर पानी का जो अक्स है उसके साथ में जो हवा चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। यहाँ पर जो इस साइड में गंगा है पानी को छूते हुआ जो शीतलहरी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। रास्ता भी देख सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा ख़राब रास्ता है, आगे चल के और भी ज़्यादा ख़राब मिलेगा मुझे रास्ता। मैं एडजस्ट करके चला रहा हूँ और यहाँ पर मैं समझ लीजिए गाड़ी पे अकेला ही शूट कर रहा हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ में। समझ लीजिए एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ, एक हाथ से मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है लेकिन मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 9 बजा है सुबह के, 9 बजे का ये हालत है। फाइनली मैं अपने साइड पर पहुंच गया हूं, सामने देख सकते हैं 11 नंबर का पाया है, तो उसके आगे 12 नंबर का पाया थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं मैं साइड पर आ गया हूं। और यहां पर देख सकते हैं 13 नंबर का पाया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, जो कि विजिबल नहीं है फोग के कारण। 13 नंबर का पाया है सामने और ये सामने 12 नंबर का पाया है, सकते हैं 13 नंबर का पाया। इसमें देख लीजिए लॉन्चिंग जो है अभी नहीं हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये सामने का जो पाया है उसके आगे 14 नंबर का पाया है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने का जो पाया है वो 14 नंबर का पाया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर का पाया का जो लॉन्चर था वो पूरा रिमूव कर दिया गया है, उसको 29 नंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। सामने का जो पाया आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पाया आप लोगों को दिख रहा है इसमें लॉन्चर नहीं लगा हुआ है, ये साइड में लॉन्चर लगा हुआ है लेकिन ये साइड में लॉन्चर नहीं लगा हुआ है। ये 14 नंबर का पाया है, इसमें देख लीजिए अभी लॉन्चर पूरी तरह से रिमूव हो गया है लेकिन सामान अभी शिफ्टिंग का काम बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान झूला वगैरह जो यहाँ पर रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, काफ़ी सारा सामान शिफ्ट करना बचा हुआ है।
चलिए आगे आपको लोगों को 15 नंबर का भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। तो है 15 नंबर का पाया है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, इसमें लॉन्चर लगा हुआ है, इसमें लॉन्चिंग अभी भी बचा हुआ है, काफ़ी सारा लॉन्चिंग इसमें बचा हुआ है। इधर 14 नंबर का देख सकते हैं, इधर का भी साइड का लॉन्चर को है रिमूव कर दिया गया है, नीचे में रखा हुआ है लॉन्चर, बाकी सब मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको शिफ्टिंग का काम बचा हुआ है। ये दोनों लॉन्चर, दोनों साइड का जो लॉन्चर है वो 29 नंबर में जा करके फिक्स होगा। और सामने का जो ये पाया दिख रहा है आप लोग, 15 नंबर का पाया है, उसके आगे 16 नंबर का पाया है। 16 नंबर के पाया में देख लीजिए लॉन्चिंग हुआ है, हाल फिलहाल में स्टिच का काम बचा हुआ है। स्टिच का काम क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर स्टिचिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। इसमें थोड़ा अभी काम बचा हुआ है स्टिचिंग का काम, जो सेगमेंट है उसको लास्ट वाला सेगमेंट देख सकते हैं इसमें चिपकाया गया है, उसके बारे में अलग से मैं कभी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। सामने का जो पाया है वो 17 नंबर का पाया है।